अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपके। मैं हूँ कामरान कामी और इस वक्त मैं जिस हस्ती के साथ खड़ा हूँ शायद आप देख के परेशान हो रहे होंगे, चूंकि माशाल्लाह से उनका चेहरा नजर आ रहा है। तो मैं बताना ये चाहूंगा कि मैंने इनका बहुत ही खूबसूरत स्टूडियो किया है, तो यहाँ बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट भी आएंगे, चूंकि ये खुद भी बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं और खुद बहुत बड़ी कंपनी के ऑनर भी हैं, उनको पूरा पाकिस्तान जानता है। तो मैं सिर्फ ये चंद अल्फाज कहना चाहूंगा कि मैंने यहाँ किया है साउंड प्रूफिंग, तो आतिफ भाई के मैं थोड़े से कमेंट्स लेना चाह रहा हूँ, चूंकि ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। आतिफ भाई, आपका तो माशाल्लाह, मेरा छोटा भाई, आपकी इतनी तारीफें, इतने मजेदार आपने जो बना दिया आपने साउंड प्रूफ वगैरह, इतना खूबसूरत बनाया। बिलीव करें, मैं सबका आपका जिक्र सुनते सुनते, देखो एक माशाल्लाह आप आर्टिस्ट भी हैं, आर्टिस्ट इतना अच्छा आर्ट आपने किया, क्यों वाकई और दिल से काम कर रहे हैं, बिलीव करें। ये तुम्हें ये नहीं कि तुम्हारी हम बटरिंग कर रहे हैं, हम मक्खन मलाई हमारी अपनी कंपनी भी है, लेकिन तुम्हें दिल से प्यार मोहब्बत के साथ हकीकत कहना, तुम बड़ा अच्छा काम मैंने कामन माशाल्लाह बहुत अच्छा। वैसे आप इनका पेज भी देखिए, फॉलो करें और बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, और माशाल्लाह काफ़ी आर्टिस्टों के साथ काम करते आ रहे हैं, कर भी रहे हैं। तो कामन भी आपका बहुत शुक्रिया, आपने और बड़ा अच्छा लगा साउंड प्रूफ, तो माशाल्लाह इको का भी हमने देखा, हालांकि मैंने तो अपने एक शौक के लिए वैसे बनाया, लेकिन इन्होंने माशाल्लाह इको एक एक चीज़ को प्रॉपरली, अभी जब साउंड लगेगा सेट होगा तो बड़ा ज़बरदस्त एक प्लान, अभी जब फाइनल टच होगा तो आपको इंशाल्लाह एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे। थीम भी बड़ी अच्छी बनाई, सारा कुछ डिज़ाइन किया, और दो दिन से माशाल्लाह खुद ही मेहनत कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि क्या करें, मुझे कहते हैं कि बस आपने देखना है कि कैसा डिज़ाइन होगा, क्योंकि मुझे इस भाई पे, क्योंकि काफ़ी पुराना हमारे इनका मोहब्बत प्यार है और मुझे इन पर यकीन है इंशाल्लाह सबसे बेस्ट करेंगे। तो अभी आप लोग इनके पेज को लाजमी फॉलो करें, और लाजमी इनके पेज को आप, बल्कि खाली फॉलो नहीं करना, आपने बुलाना भी लाजमी है। पाकिस्तान में जितने भी घर हैं, फैमिली हैं, लोग हैं, अपने अपने जैसे होता है ना कि अपने अपने एक छोटे छोटा स्टूडियो बनाते हैं, जो घर में फैमिली में प्रॉब्लम्स होती हैं, शोर शराबा होता है, एक एक स्टूडियो बनाना, स्टूडियो के साथ साथ अब तो आप देखते हैं रूम डेकोरेशन, स्टूडियोज के लिए भी होना चाहिए वैसे भी रूम डेकोरेशन में, ये आजकल फ्लैट्स में चल रहा है, चूंकि साथ वाला फ्लैट, फ्लैट का शोर बहुत आता है, तो इस तरह से एक वॉल को हम कर देते हैं कि जिससे उस तरफ का शोर इस तरफ नहीं आता, और बहुत सारे इस तरह से घर होते हैं जहाँ कुछ बीमार लोग होते हैं, उनको शोर से थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही होती है, तो उनका रूम इस तरह से कर देते हैं। और फिर आतिफ भाई के साथ ही राहत साहब का, राज साहब ने भी इसी तरह तारीफ की थी जिस तरह आतिफ भाई ने की, सारे लिए बग्गा जी ने भी इसी तरह तारीफ की जिस तरह से आतिफ भाई ने की, थैंक यू वेरी मच, तारीफ के काबिल है, बहुत हमारी नियत अच्छी है, माशाल्लाह काम अच्छा है, और तरक्की दे, और थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, जुड़े रहे इसी तरह से शान इंटीरियर साउंड प्रूफिंग के साथ, थैंक यू वेरी मच।